तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त यश, और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड ब्लैक फ्राइडे सेल। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक फ्राइडे सेल आ चुका है, और मैं आपको बता दूं कि ये सेकेंड मोस्ट हाइप्ड सेल है वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ब्लिट्स में। और सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह पे ब्लैक फ्राइडे में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं। तो हम आज ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन कौन से टैंक्स अच्छे हैं और कौन से बिल्कुल बेकार है, जहाँ से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए जिन टैंक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यार वैसे सच बताऊं तो फिर इस बार जैसे ही हम यहाँ टैब मतलब कि स्टोर सेक्शन में जाते हैं, यार बहुत ही बेवकूफ़ बना रहे यार वो गेमिंग वाले। सही बता रहे हैं, इतना भाई ब्लैक फ्राइडे का मतलब होता है कि सबसे सस्ता, मतलब कि बहुत चीप होना चाहिए कोई चीज़। लेकिन यहाँ पे ना कि मुश्किल से 500 या 1000 गोल्ड सस्ता करके बेच रहे हैं टैंक्स। सही बात नहीं है ये, वॉर गेमिंग को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे ना प्लेयर बेस का मन उठ जाता है गेम से। लेकिन ठीक है, मतलब अब जो है सो है यार। बहुत लोग अब यहाँ से सोचेंगे, और बहुत लोग मतलब कि रिकमेंड भी करेंगे आप लोग को कि यहाँ पे उतने अच्छे टैंक्स नहीं है या फिर उतना सस्ते नहीं है। तो फिर हम रुक जाते हैं क्रिसमस इवेंट के लिए या फिर न्यू ईयर इवेंट के लिए, जहाँ पे ऑक्शन होगा। यार हम सच बताएं, हम 3 साल से इस गेम को खेल रहे हैं, और ऑक्शन में ना चूटिया ही घटता है। जितने अच्छे टैंक्स होते हैं, मतलब कि जो अच्छे टैंक्स होते हैं जेन्युइनली, वो टैंक्स तुरंत आते ही बिक जाते हैं ओवर प्राइस पे। कोई मतलब नहीं होता है, बहुत डिस्काउंट मिलेगा तो 1000 2000 वो बिक जाते हैं। जो सड़े सड़े टैंक्स होते हैं वही पहुँचते हैं 1500 2000 3000 गोल्ड तक, जो कि वैसे भी आपको नहीं लेना रहता है। तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि क्रिसमस इवेंट बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं होता। सच बताने बस वो एक ओवर हाइप है, और ये सेकेंड मोस्ट ओवर हाइप है। जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल, हर बार ब्लैक फ्राइडे सेल में कुछ अच्छे डील्स तो रहते थे, इस बार भी हैं, लेकिन इस बार और कम हो गए हैं। हर साल बार साल जो अच्छे डील्स है टैंक्स के वो कम होते जा रहे हैं। आप वॉर गेमिंग क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, दिमाग में क्या चल रहा है बेवकूफ रहे इनके। और एक और आप लोग तो जानते ही होंगे, इसके साथ एक और भी ऑफर आता है जो कि थोड़ा सा पेड टाइप का ऑफर है, जो कि टिकट्स का है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यार वैसे सच बताएं तो फिर ये नॉर्मल हम लोग के लिए है ही नहीं, नहीं है यार। ये एक टैंक है तो 750 टिकट का, फिर इसके बाद आता है दूसरा टैंक, नेक्स्ट रिवॉर्ड। नेक्स्ट रिवॉर्ड का क्या है पता नहीं कैसे खुलता है, मतलब जानता नहीं। लेकिन इसके बाद जो भी एक T77 टैंक है, वो भी एवरेज सा टैंक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइप था अपने समय में, लेकिन अभी इस समय बेकार हो गया है। और एक तो उसके बाद लास्ट बिल्कुल जो है वो Tier 10 का मीडियम नया टैंक, जो कि इटालियन नेशन का नाम नहीं याद आ रहा है, को अभी भी नाम नहीं याद आ रहा, जो भी मतलब कि सब ओवर हाइप्ड है। और सोचना ही मत, ये है ही नहीं यार हम लोग के लिए, सही बता रहे हैं, सोचना ही मत इसके बारे में। हम मेनली बात करते हैं स्टोर में क्या क्या हम लोग के लिए खरीदने लायक है और कौन सा टैंक हम लोग को खरीदना चाहिए। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा ब्लैक बॉक्सेस। सही बताएं, ग्रेट्स है, गैम्बल है, चूतिया कटेगा कटेगा कटेगा, और ऊपर से ये गोल्ड पे भी नहीं अवेलेबल, इस पर आपको पैसा पेड ही करना पड़ेगा। और एक गेम पे हमको नहीं लग रहा आप लोग पैसा लगाएंगे, और अगर लगा रहे हैं तब भी इसको तो मत लगाना यार, इससे अच्छा एक ऑफर दिखा दे रहे हैं हम, जो कि यहाँ नीचे है ये दोस्तों। अगर आपको पैसे से कुछ खरीदना है, ये सुपर हल्का भी मत खरीदना, ये भी बेकार है, ओवर प्राइज्ड है, बेकार टैंक है यार, मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल बेकार टैंक है, बस देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसको तो ध्यान ही मत देना, ये ब्लॉक्स बॉक्सेस के तरफ ध्यान ही मत देना, बिल्कुल बेकार है। अगर आपको पैसे लगाना चाहते हैं, वैसे आप क्रिसमस तक रुक सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ऑफर है काफ़ी अच्छा है, अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं 449 रुपीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे आप ये खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको 3000 रुपये तो गोल्ड मिलेगा, और शॉर्ट हो ये मिलेंगे, क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं बूस्टर मिलेंगे, सॉरी हाँ। तो फिर जो बूस्टर मिलेंगे उसमें अगर आप 50 भी जीतते हैं 100 में से गेम, तो फिर 1500 गोल्ड मिल जाएगा। तो फिर मतलब कि ठीक ठाक आपको मिल जाएगा गोल्ड, हालांकि पैसा आप गेम में लगाएंगे नहीं, हम जानते हैं। तो फिर अब मेन रिवॉर्ड्स की तरफ आते हैं, इसको मत देखना ये बेकार है, 94 में इतना गोल्ड मतलब कि बेकार है। हाँ तो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं द डेंजरस ऑब्जेक्ट 907। 907 बहुत ही सही टैंक हो गया है इस समय, जो लेटेस्ट अपडेट अभी आया था, नहीं लेटेस्ट सेकंड अपडेट जो आया था 9.1 अपडेट, जो मेजर अपडेट था उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बैलेंस चेंजेस हुए थे, उसमें ये टैंक भाई साहब ओपी हो गया है, बिल्कुल ओपी हो गया है, और ये बेस्ट मीडियम बन चुका है Tier 10 का। इसके साथ में एक तो टैंक बस खड़ा रहता है, वो है T22 मीडियम, पर वो आपको 15000 में तो नहीं मिलेगा, भूल जाओ सपने में भी, और ये भी आपको 15000 में नहीं मिलेगा, ये सही आपको डील मिल रहा है, क्योंकि इस टैंक का प्राइस इस समय भी कम से कम 18-19 हज़ार गोल्ड तो है ही। यहाँ पे अगर 15000 में मिल रहा है तो सही है,
और ये टैंक बहुत सही है, लेकिन बस यही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, Tier 10 में है ये टैंक, इसका स्पीड बढ़िया है, एक्यूरेसी तो एकदम बॉप लेवल, मतलब एकदम ओपी, टरेट भी बहुत सही है इसका, और बाउंस भी अक्सर ये ले लेता है, इधर उधर से बाउंस होता ही रहता है इस पर, मोबिलिटी है तो सब कुछ सही है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़े अच्छे प्लेयर हैं, आपको मीडियम चलाने में मज़ा आता है, तभी आप इसको लीजिएगा। 15,000 गोल्ड कम नहीं होता, लेकिन ये टैंक को जस्टिफाई करता है, इतने में ये सही प्राइस है। दूसरा पे अगर आ जाए तो वो है AMX 30V। भाई भूल जाओ, मत देखो इस टैंक की तरफ, आप मेरा नहीं किसी का भी वीडियो देखेंगे ना, इसको भूल जाओ यार, एकदम बेकार टैंक है, इसको तो आप देखो ही मत, खोल थोड़ा हटाओ, 12,500 आपके डूब जाएंगे अगर आप इसको लेंगे तो। तब यहाँ पे रहते हैं K91। K91 एक अच्छा ऑफर है। हाँ, मैंने इस टैंक को खेला है, आप सोचेंगे मेरे पास तो ये टैंक है नहीं तो कैसे खेलूंगा, मैंने खेला है, मेरे दोस्त के अकाउंट पे खेला है मैंने ये टैंक, काफ़ी मतलब कि बढ़िया टैंक है। इस समय थोड़ा सा लगता है कि पुराना टैंक है, अजीब सा शेप, मतलब कि थोड़ा सा लगता है कि बहुत पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी खेलने लायक है और मेटा में चल रहा है ठीक ठाक, मतलब कि आप अगर लेंगे तो फिर 50-50 है, और ठीक ठाक आपको टैंक मिल जाएगा, और आपको क्योंकि क्रेडिट्स मिलेंगे ना, और Tier 9 का है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि 9,000 गोल्ड मुझे अभी भी लग रहा है कि ज़्यादा है। अगर ये टैंक वैसे क्रिसमस में अब नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे में जो टैंक्स आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो क्रिसमस में नहीं आते हैं, और पिछले साल ही आया था मुझे याद है, तो फिर इसका 7.5K गोल्ड में ये शायद मिल रहा था ऐसे कुछ, तो फिर वो जस्टिफाई था ज़्यादा। पर ये भी बुरा ऑफर नहीं है, अगर आपको हैवी टैंक से प्यार है और आपको बहुत सारे क्रेडिट बनाने हैं, तो फिर आप ये टैंक की तरफ जा सकते हैं, बढ़िया टैंक है तो आप ले सकते हैं। Object 274A 8,500 गोल्ड Tier 8 के लिए, मतलब 25% मैं बोलूँगा चांस, अगर आपका मन है तो 25% लीजिए, मत लीजिए, क्योंकि DPM बहुत बेकार है इस टैंक का, आर्मर प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक सा है, और बाकी सब कुछ एवरेज सा है। अभी नया ही आया है और इतने सस्ते में इसीलिए बिक रहा है क्योंकि चला नहीं है और बेकार टैंक निकला, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, इसको मत लीजिए। और इसके बाद आता है स्कोडा T56। यार अगर T56 के बारे में बात करें तो अच्छा टैंक है, बढ़िया टैंक है ये टैंक, जैसे Object 252U जो ऐसे एक्ट वगैरह है, बहुत बढ़िया आर्मर कैरी करता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही कैरी करता है, इसके पास गन डिप्रेशन है और थोड़ा सा DPM लो है, लेकिन कोई बात नहीं, आप काम चला लेंगे, क्योंकि इसका एवरेज डैमेज पर शॉट शायद काफ़ी हाई है, मतलब 460 ऐसे कुछ और ज़्यादा ही है, तो फिर ये एक अच्छा ऑफर है, आप इसको ले सकते हैं, स्कोडा T56 को। उसके बाद T5 TA5 मत लेना, देखना भी मत इसके तरफ, हम तो इसको खोलेंगे भी नहीं, मत देखना टाओ। लैंसन सी, यार फिर ये भी वही बात हो गया ना, इसमें आपको कुछ गेम्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, मतलब कि कुछ गेम्स आपको बहुत मजा आएगा इसको खेलने में, कुछ में बेकार आएगा, क्योंकि इस टैंक में दिक्कत ये हो जाता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गन वन बहुत परफेक्ट है, सब कुछ बहुत मस्त है, लेकिन बहुत बड़ा टैंक है और आर्मर तो बिल्कुल है ही नहीं, आर्मर नहीं है, सब एजी से आपको मारेंगे, ख़त्म कर देंगे, एक भी बार में ख़त्म कर देंगे, इसलिए बहुत मुश्किल से खेलना, और ऐसा समय जरूर आएगा कि आप पिटोगे, कुछ गेम्स में आप पिटोगे, तो फिर ये भी मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, मत लेना। अब बात आता है T54E2। यार जानते हो थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है, पूरा नहीं ओवर हाइप्ड है, लेकिन ये टैंक मेरे पास है, ये टैंक मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ना ओवर हाइप्ड है ये टैंक, क्योंकि इसका आर्मर ओके सा है, इस समय मेटा में ना थोड़ा सा ओवर हाइप्ड हो गया ये, और ये देखो इतना बड़ा सा लो अपग्रेड, आर्म्स पेनिट्रेट, ये सब पेनिट्रेट, सब पेनिट्रेट, यहाँ पे एच ही मारेगा कोई भी, खत्म हो जाएगा आपका सब कुछ पीछे वाला, तो ओवर हाइप टैंक है, ले सकते हो, लेकिन क्योंकि जैसे ओवर हाइप तो है, लेकिन ये है कि इस समय बाकी सब ऑफर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो फिर ये सेकेंड बेस्ट ऑफर है, फर्स्ट बेस्ट ऑफर 907 का था, क्योंकि इस समय अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो फिर 15,000 गोल्ड में आपको बेस्ट Tier 10 के मीडियम मिल रहा है, और T54E2 अच्छा ऑफर है, तो फिर आप इसको खरीद सकते हो, मैं कहूँगा खरीद सकते हो, क्योंकि 7.5K गोल्ड अच्छा ऑफर है। और दोस्तों वैसे आप ना एक लास्ट ऑफर है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मैं बताऊँगा वो बेस्ट ऑफर है, इस समय का बेस्ट ऑफर है, काइलर के बारे में बात करें तो फिर ये भी बढ़िया टैंक है, ऊपर से ये सब जो आपको है सब कोई पेंटेड नहीं कर पाएगा, बस आपको नीचे का पार्ट छुपाना पड़ेगा लोअर प्लेट, और कोई पेंटेड आपको नहीं कर पाएगा, बढ़िया टैंक है, आप ले सकते हो। इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन 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 क्योंकि इसका प्राइस कम है, किस लिए ये दोनों बराबरी पर खड़े हो जाते हैं आकर के, तो फिर आपको जो ज़्यादा अच्छा लगता हो देखने में, या फिर जैसा भी मन हो, मतलब आपका, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, अभी रुकना मत, इन दोनों में से ऐसे मत चूज़ करने का, और ऑफर है बांधता हूँ। कैनोन जैक पेंजर अच्छा टैंक है, मतलब गन वन बहुत सही है इसका, लेकिन बस यही हो जाता है कि DPM पे बहुत तगड़ा है इसका, पेंट्रेशन सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आर्मर की कमी है, और बहुत मुश्किल आपको लगेगा कि यार खेले तो खेले कैसे, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे ना, अगर आप सामने आ गए तो फिर आपको सब निशाना बनाना चाहेंगे, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है।
तो फिर 50-50, अगर आपको बहुत अच्छा टैंक डिस्ट्रक्टर चाहिए सस्ते में तो फिर आप ले सकते हैं, वरना छोड़ देना। DS5 भी मत लेना, बेकार टैंक है। 5,000 में अगर आपको TR-8 मिल रहा है ना, तो फिर आप समझ जाना कि कुछ खराबी होगा, तभी इतना सस्ते में मिल रहा है। इतना बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है, देख लो। इतना बड़ा टैंक के ऊपर से ये सब ना पेंटेड हो जाएगा आराम से, यार सब पेंटेड, नॉर्मल से पेंटेड हो जाता है। ये सब बेकार चीज़ है, तो इसको तो भूल के ही मत ले लेना। लेना हो तो अगर टैंक डिस्ट्रॉयर चाहिए तो ये लेना, ये मत लेना। ये भी मत लेना, बेकार। 59 पैटर्न बिल्कुल बेकार। 4,500 में अगर आपको इतना मतलब कि हाई टेयर का टैंक मिल रहा है तो समझ जाइए TR-8 का टैंक आपको इतना सस्ते में नहीं मिल सकता, एकदम बेकार रद्दी टैंक है। M4-1D बढ़िया टैंक है। अगर आपको लोअर टीयर में फास्ट टैंक पसंद है, जैसे बुलडॉग हो, तो ये बुलडॉग का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, तो फिर आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि टफ है खेलना यार उस समय ना, वहाँ पे KV-2 या फिर स्मैशर टाइप के ऐसे हैवी हैवी आ गया, SU-152 आ गया, मतलब कि आपको एक ही बार में खत्म, 950 डैमेज, खत्म खत्म खत्म, सब आपके ऊपर अच्छी फायर करेंगे, तो हटाओ। AMX-1357 2,500 में, यार ये बहुत सही डील है। 2,500 में आपको AMX-1357 मिल रहा है, तो फिर आप ले सकते हो। हाँ ये है कि आप इस टैंक को लेंगे ना तो फिर बोर होते आएंगे, मतलब कि बोर होते रहेंगे थोड़ा थोड़ा समय पे खेलने के बाद, क्योंकि कुछ गेम्स ऐसे रहेंगे जैसे बहुत मजा आएगा यार। पी 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 गन 6 शॉट है, मारो 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 मारो, एकदम लगता मशीन गन चल रहा है। लेकिन कुछ में ये रहेगा कि आपको यार ठीक है, ठीक ठाक गेम, लेकिन इसका जो प्राइस 2,500, उसमें TS7 का ये एक अच्छा टाइप में कहूँगा, तो फिर आप ले सकते हैं। अगर आपको AMX आपके पास नहीं है टेक्ट्री वाला, तो फिर आप इसको ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको पूरा टेक्ट्री नहीं करना पड़ेगा आपको, मतलब सॉल्व सॉल्व नहीं, जो भी कहते हैं। ये Type-64 बेकार टैंक है, बिल्कुल एची, हर जगह मारो खत्म खत्म। ये प्यूडल तो आप सोच रहे हैं मत, चूतिया बना रहे हैं, फ्री का टैंक है ये, फ्री में बिका था। अरे फ्री में ऐसे दिया गया था, सबके पास है, बेच भी दिया, मैंने भी बेच दिया, एकदम बेकार रद्दी टैंक है। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे ऑफर सेक्शन में। बहुत लोग ना अभी तक ऊपर में जा करके बात करते फिर छोड़ देते, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर यार ऑफर्स पे बहुत सही सही ऑफर्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं बंडल में। तो मैं कहूँगा ठीक ठाक टैंक है, लॉरियन अच्छा टैंक है, लेकिन वही है कि एजी से कोई मारेगा तो दिक्कत होगा, बड़ा भी है इसलिए दिक्कत हो सकता है बीच बीच में, इसलिए मुझे भी काफी कभी कभी मजा नहीं आता है। हाँ अगर आपको अकेले कोई मिल गया तो फिर 4 शॉट ले लो, मतलब कि काफ़ी आप हेल्थ खत्म कर देंगे आधे से ज़्यादा, लेकिन वही है टफ है खेलना, ये दोनों टफ है खेलना, इसलिए सोच समझ के लेना। फिर यहाँ पे आपको 12,500 में, हाँ तो मैं बता देना जो ऊपर आपको AMX वाला, AMX-30B वाला ऑफर मिला था ना 12,500 में, वो आप उससे अच्छा ना ये वाला आप ले लीजिए। Action-X भी अच्छा है बहुत, उसके पास लेजेंडरी कैमरों के साथ मिल रहा है, और T95V2 भी अच्छा टैंक है, बहुत ख़राब नहीं है कि आप बिल्कुल खेल ही नहीं पाएंगे, ठीक ठाक टैंक आप खेल सकते हैं इस टैंक को भी। और क्या कहते हैं ये Action-X तो बहुत सही टैंक है भाई, Action-X तो होना ही चाहिए सबके पास मुझे ख्याल से, बहुत मज़ा आता है खेलने में। जो अब जो स्टील डील है जो ना छुप के बैठा हुआ जो डील, वो मैं यहाँ ले आता हूँ। ये देखो यार 8,000 में कार्निवलॉन Action-X मिल रहा है, वहाँ T5-4E2, वहाँ पे ऊपर मिल रहा था 7,500 में। 500 गोल्ड आप और लाएंगे ना, आपको Action-X मिल जाएगा, और मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन है वैसे ये Action-X ज़्यादा बढ़िया यार, आर्मर इसका सॉलिड है, इसका मोबिलिटी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, पिकअप बहुत सही है इसका, और बस लोअर प्लेट ही थोड़ा सा कमजोरी है। यहाँ पे साइड में ये आप आराम से वो साइड स्क्रेप स्क्रेप कर लेंगे, और गन DPM बहुत सही है यार, एवरेज डैमेज थोड़ा सा कम है लेकिन DPM बहुत सही है, मज़ा आएगा खेलने में। तो हम तो कह रहे हैं Action-X आप ले लीजिए। आपके पास एक ही, अगर आपको T8 में हैवी टैंक चाहिए तो आप Action-X एक तो हो गया जो कि नंबर 1 पर रहेगा, और उसके बाद नंबर 2 पर रहेगा T-54E2, नंबर 3 पर रहेगा काइलर, और नंबर 4 पर रहेगा स्कोडा T-56। स्कोडा इसलिए नंबर 5 पे क्योंकि यार वो अवेलेबल है ना, इसका कौन सा वो एक टैंक अवेलेबल 60 कौन सा TP करके, कोई T-8 का एक तो TP है वो अवेलेबल है, तो फिर इसलिए मैं उसको बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि वो ना टेक्ट्री की तरह ही कुछ स्पेशल नहीं है उस टैंक में, देखने पर भी वैसे ही लगता है। तो फिर नंबर 1 पे Action-X रखिएगा, तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ। फिर आपकी अब जैसी भी मर्जी, आपको जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। वैसे दोस्तों पर्सनली मैंने इस वाले ब्लैक फ्राइडे को यूज़ करने की सोची है, आप सोच रहे हैं मेरे पास 6,000 गोल्ड है मैं क्या खरीदूंगा, तो मैं अपने कुछ टैंक्स बेच रहा हूँ। हाँ और आप सोच रहे हैं कौन सा टैंक बेच रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारे टैंक्स बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे ना Object 907 चाहिए, बहुत सही टैंक है यार, इस समय बहुत सही टैंक हो गया। अगर आपके पास 15,000 गोल्ड हो तो फिर आप ले ले सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था, और मैं भी इसको अभी आपके सामने ही खरीदने जा रहा हूँ। अब जानते हैं अब मैं कौन सा टैंक बेचूंगा, कलेक्टर टैंक बेच के गोल्ड मिलता है, और मैं बेचने जा रहा हूँ VK-90।
आप लोग सोच रहे होंगे VK90 क्यों बेच रहा है भाई, इतना सही टैंक है, इतना ओपी टैंक है और क्या क्या मतलब। हाँ मैं जानता हूँ बहुत सही टैंक है, बहुत मज़ेदार टैंक है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन ना इस समय थोड़ा सा मैं बोर हो गया हूँ हैवी टैंक से, मैं बोर हो गया हूँ। और उसके बाद जब मेरे पास वापस गोल्ड आएगा तो मैं उसको रिस्टोर कर लूँगा जब मेरा मन करेगा, तो फिर कोई ऐसा वरी क्या वगैरह वरी करने का बात नहीं है। इसलिए मैं अभी इसको सेल कर रहा हूँ, अब सामने सेल कर देता हूँ। तो इसको सेल करने से मेरे पास 7,500 गोल्ड मिल जाएगा, तो देख सकते हैं दोस्तों 7,500। आप परेशान मत होना, लेकिन मैं भी परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि वो टैंक ना बाद में मैं फिर से रिस्टोर कर लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस के बारे में चाहिए कि रिस्टोर कैसे करते, तो मैं आपको बता दूंगा, अगला वीडियो मैं बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसके बाद एक्सप्लोरर मुझे बहुत पसंद है, मतलब कि पर्सनली मुझे ना देखने बहुत सही लगता है, तो इसलिए एक्सप्लोरर मैं नहीं दे रहा हूँ। ब्लास्टरॉइड बेकार, ठीक ठाक मतलब टैंक है, बेकार नहीं, लेकिन अभी गोल्ड चाहिए तो बेच रहा हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेड नॉट भी अच्छा टैंक है मतलब, लेकिन मैं खेलता नहीं हूँ लोअर टीयर, इसलिए मैं इसको भी बेच रहा हूँ। ये सब रिस्टोर हो जाएंगे, इसलिए मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझिएगा, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। तो दोस्तों 15,000 गोल्ड मेरे पास हो गया है, और अब मैं खरीदूंगा ऑब्जेक्ट 907। चलो 907 आ जाओ मेरे गैरेज में। ओके तो यार मैंने 907 खरीदा इस बार ब्लैक फ्राइडे में, क्योंकि मेरे हिसाब से Tier 10 का यही बेस्ट ऑफर था। और जैसा कि मैंने बताया, क्रिसमस में ना इतने अच्छे ऑफर आते नहीं हैं, बस नाम के लिए ओवर हाइप्ड है क्रिसमस, इसलिए मैंने 907 खरीद लिया। और कैमो अब मैं लगा लेता हूँ आपके सामने ही, कोई लेजेंडरी कैमो मैं सोच रहा हूँ लगाने का, कौन सा लगाऊँ यार। अभी कोई ऐसा कैमो है नहीं मेरे पास, बाद में सोचूंगा, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखता हूँ कौन सा लगाना है। तो दोस्तों ये था, और हाँ यहाँ पे देखो क्लेम भी आ गया ना, ये सब इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, सब बेकार चीज़ें, वैसे कोई मतलब नहीं है, सब बेकार चीज़ें। ये देखो 750 का, हाँ पिछले बार ना 250 का यहाँ पे कोई चाइनीज टैंक मिल रहा था, मतलब बढ़िया टैंक मिल रहा था 250 में, तो फायदा हो जाता, लेकिन इस बार सारा वो हटा ही दिए हैं। तो दोस्तों यही था मेरा इस बार का ब्लैक फ्राइडे में, मैंने 907 परचेज किया है, ये अच्छा टैंक होगा, मैं इसका रिव्यू दूंगा आगे चल के। आप भी समझ गए होंगे कि आपको कौन सा टैंक आपको खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। मैंने आपको बेस्ट डील बता दिया, जो फर्स्ट बेस्ट डील है वो एक्शन एक्स का है, सेकेंड नंबर पर ऑब्जेक्ट 907, उसके बाद यहाँ पे T5 4E2 काइलर कैनोनियन भी आप खरीद सकते हैं, स्कोडा T56 K91 भी ठीक ठाक डील है, और MX-30/57 एकदम स्टील डील है, मतलब खरीद लेना। और ये सब बेकार टैंक है, इनके ऊपर ध्यान भी मत देना, ये सब बेकार टैंक है। हाँ और परचेज तो कुछ करना नहीं है आपको वैसे भी, तो छोड़ो उसके बारे में क्या ही बात करें, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, और अगर आपको किसी इन जो टैंक से मतलब कि इसमें से किसी का स्पेसिफिकली रिव्यू चाहिए तो फिर मैं आपको दे दूंगा। और एक्शन एक्स वर्सेस T54E2 मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, एक्शन एक्स का पहले मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जो कि आ जाएगा कल तक आ जाएगा बहुत, तो फिर आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। और आप बताइएगा कि आप कौन सा टैंक खरीदने वाले इस ब्लैक फ्राइडे, आपको ये ब्लैक फ्राइडे कैसा लगा, मुझे बेकार सा ही लगा। और जो भी होगा जैसा भी होगा बताइएगा, लाइव स्ट्रीम भी हम करेंगे जल्दी, तो फिर उसको ज्वाइन करना रहेगा आपको, भूलिएगा मत प्लीज़ प्लीज़। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा यार, ताकि और भी दोस्त लोग ना कम्युनिटी जुड़े और थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स बढ़े। और आज के लिए बस इतना ही, मेरा मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट 907, अब मैं इसको खेलने जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा इसको खेलने में, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा टैंक है ये। तो तब तक के लिए आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको क्या लेना है, और मैं चलता हूँ अभी के लिए, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।